आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का ट्विटर ने हटा दिया वेरिफिकेशन बैच, अब ट्विटर उन्हें नहीं देगा ब्लू टिक। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इसके साथ साथ आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उन्हें लाइक कीजिए और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, साथ ही दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, ट्विटर ने कर ली है अब बड़ी कार्रवाई। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत, इनके अकाउंट को लेकर ट्विटर ने एक बड़ी कार्रवाई की है। वेरिफिकेशन बैच उनका हटा दिया है और ब्लू टिक भी हटा दिया है। आपको बता दूं कि यह घटना आज की है और इसको लेकर कई लोगों ने ट्विटर को यह खबर की थी कि मोहन भागवत, इनका जिस दिन यह अकाउंट ट्विटर पर आया उसी दिन उसे ब्लू टिक मिल गया था। लेकिन उन लोगों का यह भी कहना है कि ब्लू टिक उसी को मिलती है जो ट्विटर को हैंडल करता है और ट्विटर को यूज़ करता है, रिट्वीट करता है और कुछ लोग उन्हें फॉलो करते हैं, वो किसी को फॉलो करते। तो इस प्रकार अगर वो अकाउंट एक्टिव है तो उसे ब्लू टिक मिलता है, उसे वेरिफिकेशन बैच मिलता है। लेकिन मोहन भागवत का ऐसा कुछ मामला नहीं था, उनका अकाउंट जैसे बना उन्हें तुरंत ही वेरिफिकेशन बैच मिल गया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने उनका अकाउंट जो है उन्होंने यूज़ नहीं किया, इस्तेमाल नहीं किया और वह जो ट्विटर अकाउंट है वो इनएक्टिव तरीके से रहा। और इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक वकील है नितिन मेश्राम, एडवोकेट नितिन मेश्राम, इन्होंने ट्विटर को यह खबर की कि यह किस प्रकार से आप इक्वलिटी जो है वो तमाम सारे लोगों के साथ आपने रखना चाहिए था, ट्विटर के जो रूल है उस रूल के हिसाब से सबके साथ बर्ताव होना चाहिए, लेकिन ट्विटर का जो बर्ताव है वो कहीं ना कहीं मोहन भागवत और आरएसएस प्रमुख के लिए यह कुछ खास लगा और इस बात को लेकर उन्होंने ट्विटर को खबर की कि आपका यह रवैया सही नहीं है। और फिर ट्विटर ने कुछ ही घंटों में उनका जो ब्लू टिक है, उनका जो वेरिफिकेशन बैच है वो हटा दिया। जैसा कि आप जानते हैं, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांचराम साहब कहते थे कि इस देश की मीडिया को, इस देश के प्रसार माध्यमों को कि यह बनियाओं का प्रेस है, बनियाओं का प्रेस मीडिया है। और वो इसलिए ये कहते थे क्योंकि यहाँ की जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम की जो मीडिया है, वो मनुवादी व्यवस्था को बरकरार रखने वाली मीडिया है, वो बहुजनों की आवाज़ नहीं बनती, बहुजनों की बात नहीं पहुँचाती, बहुजनों की खबर नहीं पहुँचाती। और इसीलिए इस मनुवादी मीडिया को, इस मेन स्ट्रीम की मीडिया को बहुजन समाज ने इग्नोर कर लिया और इसे रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद सोशल मीडिया को तमाम बहुजन समाज के जो लोग हैं वो उसे अपना मीडिया समझने लगे और वहाँ से जो अपनी अभिव्यक्ति है वो वहाँ से व्यक्त करना उन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन बात अब ऐसी हो गई कि जिस प्रकार ट्विटर हो, फेसबुक हो या फिर और भी सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म हैं, उन तमाम प्लेटफॉर्म के कोई ना कोई एक मालिक है, जो मालिक है वो भी मनुवादी व्यवस्था और ब्राह्मणवादी व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए इन ब्राह्मणवादी व्यवस्थाओं से मिले लोगों के साथ वो मिला हुआ है। और इस प्रकार ट्विटर के अंदर कहो, अगर आपको ट्रेंड चलाना है तो वहाँ पर जो पार्शलिटी होती है, वहाँ पर जो भेदभाव नज़र आता है वो आपको समझ में आएगा। ब्लू टिक की अगर बात की जाए तो ब्लू टिक भी जो है मनुवादी व्यवस्था को बरकरार रखने वाले लोगों को जल्दी मिलता है और आम लोगों को या फिर बहुजन समाज के लोगों के साथ वहाँ पर पार्शलिटी होती है, उनके साथ भेदभाव होता है, यह भी बात समझ में आई। वो चाहे फिर फेसबुक की बात हो, चाहे फिर वो व्हाट्सएप की बात हो या फिर यूट्यूब की बात हो या फिर ट्विटर की बात क्यों ना हो, तो ये अब ये जो मनुवादी व्यवस्था है, मनुवादी जो विचारों के जो लोग हैं, अब वो धीरे धीरे सोशल मीडिया को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस प्रकार इस देश के मेन स्ट्रीम की मीडिया को कंट्रोल पूर्ण तरीके से नियंत्रित करने की जिन लोगों ने कोशिश की है, अब वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत ही समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए बहुत ही खतरनाक एक मैसेज है और चिंता की बात है कि आने वाले समय में हो सकता है सोशल मीडिया पूरा का पूरा जो है वो उनके नियंत्रण में हो। इस बात को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया जरूर दें, कमेंट करके बताएं कि आप क्या सोचते हैं। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।